आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों को हार्दिक बधाई जिन बच्चों ने JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, क्योंकि उसका रिजल्ट 2 दिन पहले आया था। तो जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि JNU के रिगार्डिंग जितनी भी अप टू डेट रहती है वो हम आपको अप टू डेट देते रहते हैं। तो आज का वीडियो इसी सिलसिले में है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद का प्रोसेस क्या करना है। हालांकि इससे पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं कि आपको टोकन नंबर, फिर ऑफर लेटर, फिर प्री इनरोलमेंट, फिर बुक सीट कैसे करनी है, उसके तमाम वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर जिस बच्चे को देखना है तो वो हमारे प्लेलिस्ट कोर्स डिटेल में जाके वहाँ पर सारी चीज़ें जो है, सारी वीडियो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो कुछ बच्चों का आपके प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, क्योंकि सभी को पता है COVID-19 की वजह से जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी बंद हैं, तो इसीलिए जो सारी प्रक्रिया होंगी वो ज़्यादातर क्या होंगी, ऑनलाइन मोड पर होगी। तो उसी सिलसिले में आज ये वीडियो हम लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों को एक बार फिर से बधाई जिन बच्चों का JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, और जो बच्चे किसी वजह से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए वो निराश ना हो, वो अपनी मेहनत जारी रखें और फिर आप अगले साल एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और उसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेरीज ये है कि सर हमारा रिजल्ट आ गया है और हमने कॉन्ग्रेचुलेशन वाला जो मैसेज आता है और हमारे जो मार्क्स है और हमारी जो कट ऑफ है, मतलब जिस तरह से मैच करने हैं वो हमने मैच कर लिए हैं, तो अब इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको सीट बुक करने के लिए आपको ऑफ़र लेटर आता है, तो ऑफ़र लेटर जो है वो आपको आपकी मेल पर आएगा और उसका मैसेज आपके फ़ोन नंबर पर आ जाएगा। हालांकि जिन बच्चों की मेल गलत है वो NTA पे या JNUE की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि सर हमारी ईमेल गलत हो गई थी, आप हमारी ये वाली ईमेल पे हमारा ऑफ़र लेटर भेज दीजिए, क्योंकि हमारा रिजल्ट आ चुका है। अगर कोई मेल का जवाब नहीं आता है तो आप कॉल करके भी अपनी जो क्वेरीज है उनको बता सकते हैं, वो ईजिली कर देंगे, क्योंकि JNU का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। वहाँ पे ऑनलाइन भी जो आपकी क्वेरीज हैं वो भी सॉल्व की जा सकती की होती हैं। तो बस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बताना पड़ेगा और वो आपकी ईमेल आईडी सही कर देंगे, तो क्योंकि जो ईमेल होगा ईमेल आईडी पे ही आपका क्या आएगा, ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि जब आप प्री इनरोलमेंट भरेंगे तो उसमें भी आपको वो स्कैन कॉपी लगानी होगी, और जब आपको काउंसलिंग के लिए JNU में बुलाया जाएगा तब भी आपको ऑफ़र लेटर लेके जाना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि सर इसकी फ़ीस कितनी है और इसका लिंक ओपन कब तक होगा और हमारी जो फीस पेमेंट का प्रक्रिया है वो कब तक होगी और ऑफ़र लेटर है वो कब तक आ जाएगा और जो प्री इनरोलमेंट है वो हमें कब से कब तक फिल करने का वक्त मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ऑफ़र लेटर आपका फ्राइडे यानी कि जो आने वाला फ्राइडे है तब तक आपका ऑफ़र लेटर आपकी मेल पर आ जाएगा। तो ऑफ़र लेटर के तुरंत बाद ही या कह सकते हैं कि मंडे तक 1-2 दिन का गैप देख लगा के मान लीजिए कि 1-2 दिन के बाद ही आपका क्या आ जाएगा, प्री इनरोलमेंट की डेट आ जाएगी, और प्री इनरोलमेंट के 10 से या 15 दिन के बाद आपको काउंसिलिंग के लिए JNU में ही बुलाया जाएगा। हो सकता है कि इस बार का प्रोसेस थोड़ा अलग हो, तो आप घबराए ना, हम आपको पूरी जानकारी देंगे अगर कुछ भी अपडेट होता है, क्योंकि COVID-19 की वजह से थोड़ा JNU नहीं, तमाम हिंदुस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी बंद है। तो इस बार जो प्रोसेस हो सकता है उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल भी सकता है, तो आप घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको अच्छे से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए JNU के रिगार्डिंग तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर आप सबको मालूम है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, 9045220432 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर 24x7 कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है और इसका जो प्री इनरोलमेंट है वो हमें कैसे फिल करना है। तो जो JNU की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। तो मैं इस टॉपिक पे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे चैनल पर जाकर कोर्स डिटेल के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें JNU के तमाम फ़ीस के बारे में आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्री इनरोलमेंट कैसे फिल करना होता है। हालांकि प्री इनरोलमेंट परफॉर्मर मैं पहले ही वीडियो में बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको कोर्स डिटेल वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसका लिंक एक्टिवेट होगा यानी कि 2020 में इन दोनों चीज़ का लिंक एक्टिवेट होगा आपको हम तुरंत बताएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको प्री इनरोलमेंट
कैसे फिल करना है, फीस आपको कैसे किस मोड में आपको पे करनी है, आप हमारे चैनल पर बने रहें। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे भी प्री इनरोलमेंट और ऑफ़र लेटर आपको मिल जाता है, मतलब ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आपको प्री इनरोलमेंट फिल करना होगा, तो जैसे ही ऑफ़र लेटर आएगा उसके तुरंत बाद आपको प्री इनरोलमेंट फिल करना होगा और उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।